बॉलीवुड के पॉपुलर स्टार संजय दत्त लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। संजय दत्त का कैंसर स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। वहीं संजय दत्त का इलाज फिलहाल मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में चल रहा है। हाल ही में संजय दत्त का पहला कीमोथेरेपी सेशन कंप्लीट हुआ है और इसके बाद से संजय दत्त तेजी से रिकवरी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच संजय दत्त अपनी फैमिली के साथ भी भरपूर समय बिता रहे हैं। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि संजय दत्त दुबई पहुंच चुके हैं अपने दोनों बच्चे शाहरान और इकरा से मिलने के लिए। दरअसल संजय दत्त के दोनों बच्चे दुबई में पढ़ाई कर रहे हैं और इस बीच संजय दत्त अपने बच्चों को काफी मिस कर रहे थे। वहीं इलाज के बीच समय निकालकर संजय दत्त अपने बच्चों के साथ भरपूर समय भी बिताते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच संजय दत्त की जिंदगी से जुड़े हुए पुराने किस्से भी वायरल हो रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं संजय दत्त और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए एक किस्से के बारे में। संजय दत्त का अमिताभ बच्चन के साथ बहुत ही खास रिश्ता है। हमेशा ही एक दूसरे के साथ बेहद प्यारा सा बॉन्ड शेयर करते हुए नजर आते हैं। वहीं जब संजय दत्त को 5 साल की सजा सुनाई गई थी तब उस वक्त अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया था। संजय दत्त को लेकर अमिताभ बच्चन ने कई सारी बातें कही थी। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त को 5 साल की सजा देने का फैसला सुनाया था तब उस फैसले के तुरंत बाद बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज संजय दत्त की माफी को लेकर बाकायदा जुटे हुए थे और उसी बीच अमिताभ बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया था। अमिताभ ने कहा था कि संजय दत्त पर फैसले का सम्मान होना चाहिए। उन पर पहले ही काफी चर्चा मीडिया में हो चुकी है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। उन्होंने खुद भी कुछ ऐसी ही राय दी है, इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमिताभ ने इस बात पर रिएक्शन दिया था जब एक कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन शिरकत करने पहुंचे थे और उस दौरान अमिताभ ने अपना रिएक्शन भी दिया था। वेल, आज के समय में देखा जाए तो संजय दत्त और अमिताभ बच्चन बेहद ही खास बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते हैं। वही जानकारी के लिए आपको बता दें ये सजा संजय दत्त को सुनाई गई थी मुंबई ब्लास्ट केस को लेकर। वहीं आज के समय में संजय दत्त एक बेहद बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस बीच हमेशा की तरह उनका पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।